हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। तो वो हमारे पास दो मेथड है, पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो आपका रोस्टर फॉर्म है या जिसको टेबुलर फॉर्म आप बोलते हो, उसमें क्या है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको लिस्ट करना होता है और कॉमा से सेपरेट करना होता है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ वोवल्स, है ना। तो वोवल्स ऐसे लिखा जाएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरी जो आपकी फॉर्म है वो है सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जो आपको सेट दिया हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो वो वेल डिफाइंड है, उस वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, है ना। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा ए ई आई ओ यू। अब उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल, एस एक्स इज़ अ वॉवल। तो ये जो फॉर्म होगी इस टाइप की, इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो 42 को डिवाइड करने वाले जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इसी को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसा लिखा जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 42, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ये देखिए कि एक्स सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। अब ये आपकी रूल मेथड में लिख रखा है इसको, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर विच आर नेचुरल, और वो नेचुरल नंबर कैसे हैं? 3 और 10 के बीच में। तो 3 से बड़ा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि 10 से लेस, ठीक। ये हो गया। ये देखिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइज 42, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपकी दो फॉर्म है। अब इसी पे डिपेंडेंट अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे ये एक एग्जांपल है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसमें प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या रूल है। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 क्या है? 1 का स्केयर। 4, 4 क्या है? 2 का स्केयर। 9 क्या है? 3 का स्केयर। 16 क्या है? 4 का स्केयर। तो लाइक वाइज दिस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्केयर, और एन क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये स्केयर है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये दो फॉर्म है आपकी सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो इसी पे डिपेंडेंट आगे क्वेश्चन, कल हमने दो क्वेश्चन किए थे। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आप कर लेंगे कि एक्स इंटीजर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, है ना। तो वो कैसे लिखेंगे? जो है -3 से बड़ा या -3 के बराबर, तो -3 भी आएगा। फिर -3 से बड़ा नंबर -2, -1, 0, 1, 2, और ये कहाँ तक जाएगा? अप टू 7 तक, नहीं 7 से लेस, ना, क्योंकि 7 से लेस दिया। अगर ये साथ में इक्वल टू का भी इसके साइन होता तो हम 7 भी लेते उसमें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, आपको ये दे रखा है। अब ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 की टेबल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन टू से नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर क्या आएगा? 3 इंटू 1, 3। दूसरा क्या आएगा? 3 इंटू 2, 6। 3 इंटू 3, 9। और ये कहाँ तक है? देखिए यहाँ तक है 12 तक, यानी कि हमने n कहाँ तक लेना है? इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू n, और ये स्मॉल n कहाँ तक है? लेस देन इक्वल टू 4। प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक लेनी है? 4 तक,
क्योंकि चार थी, ये 12 तक ही है। मान लीजिए अगर ये 12 तक ना होता, ऐसे होता कि 3, 6, 9, 12 आगे डॉट 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 डॉट, इट मीन्स टू से ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, तो हम सीधा लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 है, वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब है कि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कॉन्टिन्यूस है, चलता जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस प्रकार से। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर फुल स्टॉप है, एक चार ही एलिमेंट दिए हुए हैं इसमें, तो अप टू ये भी लिखना पड़ेगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इस प्रकार से आप ये बाकी के क्वेश्चन कीजिए, आप कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। थैंक यू।